हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साथियों, आज एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो कि यह सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे DLED का एग्ज़ाम है, आगे UPTET के एग्ज़ाम्स हैं, आगे आपके UPSSC के एग्ज़ाम हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। तो यह आपके सेशन UPTET वाले मैथ के जो मैराथन हमने ले रखे हैं और मैथ के सारे क्लासेस UPTET के जो ले रखे हैं उसमें भी यह हम ऐड कर देंगे। और प्लस DLED वाले जितने मैथ के क्लास हैं सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के, उसमें भी हम इसको ऐड कर देंगे, जिससे कि कोई सा भी बच्चा देखे तो इसको ज़रूर देख ले, क्योंकि यहाँ से बेहतरीन प्रश्न आते हैं और भी सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, एक एग्जाम के लिए नहीं, सब एग्जाम के लिए, है ना। तो आप इसको देखिए और इसको फॉलो करिए और इसका इम्प्लीमेंट करिए भाई, ठीक है ना। चलिए, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ें, हम इस पर प्रैक्टिस भी कराएंगे, पहले समझाएंगे आपको, ठीक है, तो समझ जाइएगा। देखिए, माध्य, सबसे पहली बात आती है माध्य। माध्य क्या होता है, हम एक वैल्यू लिखते हैं ना, माध्य मतलब मीन, इसका इंग्लिश वर्जन होता है भैया मीन होता है, ठीक है ना, मीन। अब माध्य का सबसे पहले मतलब आप क्वेश्चन के माध्यम से समझिए। एट, हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम आगे समझेंगे। चलिए, 1 2 3 8 7 0 7 9, फिर से 1, यह हो गया, इस तरह समझ जाइए आप, है ना। एक और ले लेते हैं यहाँ पर 1 और एक ले लेते हैं 3, इस तरह समझ जाइए, ठीक है ना भाई। अब देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने शब्द हैं, 11 शब्द हैं। माध्य का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ सदस्य होंगे, जितने नंबर सदस्य के होंगे, सदस्य जितने हैं उन सभी का योग बटे के सदस्यों की संख्या, सदस्यों का योग बटे सदस्यों की संख्या, याद रखेंगे। माध्य का मतलब होता है साथियों, माध्य का मतलब होता है सदस्यों का योग, सदस्यों का योग। हम कहीं से घिसी पीटी चीज़ नहीं लाएंगे आपके लिए, जो भी लाएंगे ठोस लाएंगे, बेहतरीन तरीके से सीखिएगा। अगर आप किसी और टॉपिक में आपका कन्फ्यूजन हो उस टॉपिक को लिखिएगा, एक दिन में एक टॉपिक क्लियर, ये हमारा चैलेंज, चाहे जितना बड़ा टॉपिक हो, मैथ का हो, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी का हो तो भी, मैथ का हो तो भी, साइंस का हो तो भी, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो तो भी, आप कमेंट करो, आपके हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। रात में हिंदी के क्लास आते हैं, महामैराथन, सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप देखते हैं तो चाहे जहाँ पे आए, DLED में आए तो भी मारोगे छक्का, इंटर में आए तो भी मारोगे छक्का, इंटर में अगर आपके साथ आपके भाई भतीजा भांजा जो भी लोग पढ़ते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है उनको बताइए कि हिंदी की क्लास ज्वाइन कर लें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मात्र गाना के ही माध्यम से नहीं, आपको परिभाषा देते हुए सिखाया जा रहा है सब कुछ, तो सीखिए। हिंदी 9 बजे से स्टार्ट होगा रात में, तो सारे सेशन देखिए 4-5 मैराथन आ चुके हैं, हिंदी के सारे बेसिक क्लास भी दिए जा चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए, सदस्यों का योग बटे सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या भाई, देखना। अब सदस्यों का योग है न मित्रों, सदस्यों का योग का मतलब जितने सदस्य हैं सबका योग कर दीजिए भाई, सबका योग करिए, 3 + 1 + 1, देखिए, +2 + 3, +8 + 7 + 0 + 7 + 9 + 1, बटे कितने सदस्य हैं। अब कोई बोलेगा सर जीरो का कुछ मतलब ही नहीं, तो जीरो कहाँ का सदस्य भाई, इसमें है ना, तो सदस्य लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सदस्य हैं, तो 11 से भाग दे देंगे, यह तो करना ही है हमको, किस में, माध्य में, मीन में, यह तो करना ही है मित्रों। अभी सारे क्वेश्चन लेंगे जो UPTET में, अनेकों एग्जाम में पूछे गए हैं, DLED में, बहुत सारे एग्जाम्स भाई, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे, घबराना मत, सबको ऐड करो, 3 1 4 1 5 2 7 3 10 8 18 18 2 20 5 25 25 25 25 30 2 32 32 10 42, तो 42 / 11 भाई, कट ही कहाँ रहा है, ये नहीं कट रहा है ना, 42 / 11 कट ही नहीं रहा है, जितना भी आएगा हमारा आंसर वही हो जाएगा, 11 3 33 11 3 33, 7 2 9 90, 90 यानी कि 11 / 88 3.8 बचा 2, 2 के आगे 0, 11 1 11, फिर से बचा 8, 9 बचा, फिर से 9 बचा ना, देख लेना, 9 बचा, 9 के आगे 0, 11 / 88 फिर से 2 बचा, मतलब 8 1 8 1 रिपीट होगा, तो हम यहाँ पर बार लगा देते हैं, ठीक है ना, ये रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर है।
यही हमारा राइट आंसर है इस प्रश्न का, बताना। अब आ जाते हैं माध्य मतलब, समझ गए माध्य मतलब मीन क्या होता है, सदस्यों का योग बटे सदस्यों की संख्या, सदस्यों की कुल संख्या, याद रखना भाई। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा किस पर भाई, एक ही प्रश्न से हम सब समझाएंगे आपको, फिर उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन पर ना। चलिए अब माध्यिका की बात कर लेते हैं भाई। माध्यिका सबको पता होता है, माध्यिका देखिए बहुत प्रकार से निकाला जा सकता है। माध्यिका का मतलब था मीडियन, बीचवा का वैल्यू, जो बीच का वैल्यू होता है ना, बीच वाला वही वैल्यू होती है। तो वैल्यू जो बीच वाला होगा, देखना सबसे पहले माध्यिका का एक रूल है कि जो भी हमको क्वेश्चन दिए गए हैं उसको बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लें उसको, मतलब बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सजा लेंगे। बच्चे कंफ्यूज होते हैं माध्यिका और माध्य में, माध्यिका आ जाता है माध्य आ जाता है, बच्चे सोचते हैं किस में बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाता है। तो याद रखना जिसमें ज्यादा अंक होंगे उसमें बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, बस ये दिमाग में सेट कर लो। माध्य का मतलब सबका जोड़ बटे सदस्यों की संख्या, माध्यिका का मतलब पहले बढ़ते हुए क्रम में हमको सजाना ही पड़ेगा, जो भी वर्ड दिया रहेगा बढ़ते हुए क्रम में सजाना। हम इसका ट्रिक भी बताएंगे, बढ़ते हुए क्रम में सजा लीजिए, सजाना है पहले, इसको लिख लीजिए बढ़ते हुए क्रम में सजाना है पहले। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा क्या है, जीरो है, फिर उसके बाद दो ठो एक आया है, तीन ठो एक आया है, तो तीन ठो एक लिख लीजिए तीन ठो एक हो गया। फिर उसके बाद दो कितनी बार आया है, दो एक ही बार आया है ना, देखना पूरे में दो एक बार आया है। फिर तीन कितनी बार आया, तीन दो बार आया है, तो तीन को दो बार लिख लीजिए भैया, दो ही बार हो गया। फिर उसके बाद सात कितनी बार आया भाई, एक दो बार आया है ना, सेवन है, सेवन दो बार आया है। इसके बाद एट मतलब आठ भैया एक बार आया है, तो आठ हो गया, फिर नौ हो गया। आप काउंट करिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, तो है ऊपरों ग्यारह सौ नीचों ग्यारह सौ, ग्यारह हो गया। अब हमको पता करना है माध्यिका, तो सबसे पहले बात है माध्यिका में अगर देखिए पहले बेसिक देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह टे वैल्यू है। जब ग्यारह टे वैल्यू होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यह फार्मूला लगाते हैं एन प्लस वन बट्टे की दोवां पद, दोवां पद वही हमारा क्या होगा वैल्यू होगा विषम के कंडीशन में, लेकिन सम के कंडीशन में क्या होगा, सम के कंडीशन में यन प्लस यन, एक मिनट रुकना, यन बटे के दोवां पद, दोवां पद प्लस में यन बटे के दो प्लस वनवां पद प्लस वनवां पद, वनवां पद बटे के पूरे के दो होता है। यह सम के कंडीशन में होता है, कौन से सम, सम का मतलब अंक का सम नहीं, मतलब नंबर ऑफ वैल्यू सम में हो, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, अगर जीरो को हटा दे तो दस ही संख्या रहे, तो ये सम में आ गया। सम के लिए फार्मूला यह लगाएंगे यन बटे दो पद, यानी कि अगर हम जीरो को हटा दें एक बार तो बोलेंगे कितने पद हैं, तो आप बोलेंगे सर दस पद हैं, तो दस मतलब यन बराबर दस, तो दस बटे के दो प्लस में दस बटे के दो प्लस एक बटे के दो, दस बटे दो का मतलब कौन सा पद हुआ, पांचवा पद हुआ, पांचवा पद हुआ है, पांच नहीं है पांचवा पद है, प्लस दस बटे दो, दो पचे दस एक, छठा पद, छठवां पद बटे के दो। अब इसका मतलब यह हुआ मित्रों, कितने लोग क्या करेंगे, छह पांच ग्यारह बटे दो कट के काट देंगे ना, गड़बड़ नहीं भैया। अब काउंट करो पांचवा पद एक दो तीन, इसी वजह से बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है कि पता कर सके कौन सा पांचवा कौन सा छठवां, एक दो तीन चार पांच, पांचवा पद तीन है पांचवा पद, और छठा पद तीन भी है, छठवां पद भी तीन ही है, तीन बटे तीन, तीन प्लस तीन बटे दो यानी कि छः, छः बटे का दो मतलब दो तीन छः मित्रों, तीन इसका राइट आंसर होगा। अब हम कैसे इसको और एक तरीके से निकाल सकते हैं, एक तरीका और है कैसे भाई, एक दो तीन चार पाँच पद इधर से हो गया, एक दो तीन चार पाँच पद इधर से हो गया, बीच में क्या बचा, बीच में क्या बचा भाई, बीच में बचा थ्री कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच, कहीं गड़बड़ सड़बड़ तो देख लो नहीं हो रहा है भैया, दस ग्यारह छठा पद, एक दो तीन चार पाँच छः, छठा पद ये हुआ हमारा ना, तीन हो गया, और पांचवा पद ई हो गया, तो बढ़ते हुए क्रम में सही तो है, तीन आ गया हमारा राइट आंसर, इसमें कहीं गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं हो रहा भैया, देखना ये हमारा सम के लिए है ना, तो तीन से तीन दशमलव पाँच आना चाहिए इसका राइट आंसर भाई, तीन दशमलव तीन 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 मतलब तीन के बाद तीन आया है ना, तो तीन हमारा राइट आंसर हुआ है इसका, तीन आप काउंट करिए पूरा, काउंट करके भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि एक दो तीन चार पाँच इधर हो गया, एक दो तीन चार पाँच इधर हो गया, अब बीच में हमारा कुछ नहीं है, बीच में के लिए हम तीन हमारा यह राइट आंसर, इस तरह से देखेंगे। ये थोड़ा सा प्रश्न अभी हम वैसे प्रश्न नहीं लिए जो एग्जाम में आया पैटर्न, थोड़ा सा बस अपने आप रख लिए हैं, तो हो सकता है गलत आ रहा हो, बस आपको प्रक्रिया समझ जाना है कि तीन आपका राइट आंसर होगा इस तरह से। अगर अब बात करें मित्रों एक तरीके से और बात कर लें, ये तीन हो गया, लेकिन अगर यहाँ पर जीरो को लेकर चले हम लोग, जीरो को लेकर चले यहाँ पर, तो जीरो को लेकर चलते तो ग्यारह पद है,
अब 11 पद है तो 11 प्लस 1 बटे के 2 मतलब कि 12 बटे के 2, 2 छक्का 12 6 आ जाएगा। इस तरह से 6 इसका राइट आंसर होगा भाई। 1 2 3 4 5 न छठ 6 आ गया। मतलब इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा 11 1 12 12 बटे के 2 मतलब कि 6 छठा पद 1 2 3 4 5 6 छठा पद क्या है 3 है तो इसमें भी 3 आ गया भाई। इस तरह से ये चीजें होंगी, हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसमें भी 3 आ गया। अब 6 नहीं आंसर है, छठवां पद आंसर है, छठवां पद है, याद रखना ये छठवां पद आया हुआ है, ये पद है छठवां पद आया हुआ है, तो छठवां पद क्या है 3 है, तो 3 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना, इस तरह से माध्यिका निकाल, माध्यिका निकालने के बहुत सारे तौर तरीके हैं। माध्यिका मतलब कि बीच की वैल्यू, बीच की वैल्यू, जैसे बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लीजिए इतनी संख्या हमने ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी वैल्यू है, 9 वैल्यू भी है, 9 वैल्यू भी है, आपस में 9 सदस्य भी है और 9 तक संख्या भी है, तो हम कहेंगे इसका माध्यिका बताइए। तो आप कहेंगे गुरुजी 1 2 3 4 इधर काटिए, 1 2 3 4 इधर काटिए, बीच की वैल्यू 5 है, तो 5 हमारा इसका क्या होगा, माध्यिका होगा। इस तरह से समझ लेंगे, या फिर ना समझ में आए भैया माध्यिका, मान लीजिए यहाँ पर 1 और 0 बढ़ा दें, तो अब हमको देखेंगे तो यह तो हमारा इवन नंबर था, तो हमने पकड़ लिया कि भैया 5 बीच में बच रहा है, लेकिन अब दोनों तरफ वैल्यू बराबर, इधर भी 6 हो गया इधर भी 6 हो गया, तो अब क्या करेंगे, बीच वाला नंबर लेंगे, यहाँ पर 4.5, इसका क्या होगा, माध्यिका होगा। भैया कैसे पहचान ली, एक तो तरीका यह है पहचानने का माध्यिका, दूसरा तरीका और है मित्र, बीच में जैसे यह कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक हो गए ना, काउंट करना 1 2 3 4 5 10 अंक हो गए, 10 में से 4 इधर छोड़िए 4 उधर छोड़िए, बीच के 2 पकड़ लीजिए, बीच के 2 पकड़ेंगे तो 4 प्लस 5 बटे 2 कर दीजिए, कितना आ गया 9 बटे 2, 9 बटे 2 का मतलब 4.5 तब भी आ गया, 4.5 तब भी आया। इस तरह से भी अब एक अपने फार्मूला से भी कर लेते हैं, फार्मूला मतलब 10 संख्या है तो 10 संख्या मतलब सम संख्या है, जब सम है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, भैया लगाओ ना n बटे 2 वाला, n बटे 2 अब प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद, n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे के 2, n बटे 2 n की संख्या पूरी कितनी है 10 है, 10 बटे 2 मतलब 5वां पद, 5वां पद प्लस में n बटे 2 प्लस 1 5 एक छठवां पद, छठवां पद बटे के 2, 5वां पद क्या है 1 2 3 4 5 4 है और छठा पद क्या है 5 है, 4 प्लस 5 बटे के 2 बराबर 9 बटे 2, 9 बटे 2 का मतलब 4.5, मतलब तीनों तरीके से 4.5 ही आएगा, चाहे आप इन दोनों को लेके ऐड करके डिवाइड कर लो 2 से, या फिर बीच वाली संख्या इधर 5 इधर बराबर बराबर कर लीजिए, और बीच में अगर कुछ नहीं है बीच में ना, तो इन दोनों के मध्य का ही भाग होगा बीच में, तो 4.5 हो गया, और बीच बिल्कुल बीचों बीच तो 4.5 ही होगा, 4 और 5 के बिल्कुल बीचों बीच में। अब कोई बोलेगा चार 4.4 भी है, कोई बोलेगा 4.3 भी है, अरे यार पगलेट हो का, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल माध्यिका बिल्कुल बीचवा में जो स्थित है, मतलब 4.5 और 5 के पीछे, दोनों के बीच में 4.5 ही तो है बिल्कुल बीचों बीच, तो 4.5 ना ही एक कम ना ही एक ज़्यादा, सीधा 4.5, या फिर आप फार्मूलास लगा लीजिए। बातें समझ में आई, अब आते हैं रेंज के बारे में समझते हैं भाई। पहले बहुलक देख लीजिए, बहुलक का मतलब जो बहुत बार आया, बहुत बार आया हो भैया, बहुलक का मतलब साफ साफ है बहुत बार, कितने बार भैया बहुत बार, हाँ भाई बहुत बार जो आया हो वही बहुलक है हमारा, तो बहुत बहुलक का मतलब बहुत बार आया हो, बहुत बार कौन आया इसमें देखो तो एक 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 सबसे ज्यादा बार आया है, तो बहुलक हमारा एक होगा, मॉड इससे बोलेंगे, ठीक है भाई। यह अब समझ गए कि नहीं, अब रेंज पूछता है, रेंज का मतलब होता है परिसर, रेंज का मतलब होता है परिसर, होता है क्या होता है भाई परिसर होता है, रेंज का मतलब होता है परिसर। अभी परिसर से थोड़ा बहुत परेशान करता है, सच बताएं ना बच्चे कंफ्यूज जाते हैं इसमें, दो तरीके से पूछता है, एक तो माइनस वाला दे देगा, -1 -2 -4 -6 -10 +20 इस तरह से दे देगा मान लो। अब इसमें पूछा है हमसे कि परिसर क्या होता है, दोनों में परिसर देते हैं, अब इसमें परिसर अगर बताना होगा तो परिसर का मतलब साफ साफ सबसे बड़का माइनस सबसे छोटका, सबसे बड़का वैल्यू माइनस सबसे छोटका वैल्यू, सबसे बड़का भैया इसमें क्या है 8 है 9 है, 9 - 0 कर दो, 0 सबसे छोटका है तो 9 आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़का वैल्यू क्या है, इसमें सबसे बड़का वैल्यू ई है -1 और सबसे छोटका वैल्यू क्या है माइनस का, माइनस करना है रेंज में 9 - 0, सबसे बड़का माइनस सबसे छोटका, सबसे बड़का क्या है -1 माइनस सबसे छोटका माइनस, भी भाई जितना बड़ा माइनस उतना ज़्यादा आप ऋणी हो गए, आपके पास धन की कमी,
अगर मान लीजिए हमने 1 रुपये लिया किसी से, आपने 20 रुपये ले लिया किसी से, अब हमने जब 1 रुपया लिया है भाई, हमारे पास 10 रुपये आ गया, तो हम आपसे अमीर हो गए कि नहीं? अब आपके पास भी 10 रुपये आएगा, लेकिन अब अभी रीड में चल रहे हो, 10 रुपये देने के बाद भी 10 रुपये रेडी हो गए, लेकिन हमने 1 ही रुपया ले रखा है सामने वाले से, तो हमारे पास 10 रुपये आएगा, तो हम 1 रुपया देकर 9 रुपये अपना सेविंग मस्त तरीके से मजी लेंगे। तो इस तरह से भैया, तो माइनस एक माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी कि माइनस एक प्लस का 20 बराबर क्या आएगा रेंज, 19 आएगा मित्र, यह आएगा। तो इस तरह से रेंज भी समझ गए। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की दुनिया में, खटाखट प्रश्न होगा। अब बस आप लोग प्रश्न करिए, कहीं भी इंप्लीमेंट करिए। अगर यह सेशन समझ में आ गया हो तो शेयर करना जरूर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इंस्टा शेयर कितने भी में आपके, देखो भाई यह इंटर लेवल का भी है, हाई स्कूल लेवल का भी है, टेंथ में भी है, मतलब 8th में भी है, 7th में भी है। अगर आपके घर बच्चे पढ़ते हैं, भाई पढ़ते हैं, आपके भांजा भतीजा, तो आप उनको यह बता सकते हैं, हिंदी के क्लास, मैथ के क्लास उनको दिलवा सकते हैं, वह ले सकते हैं। अब हम ऐसे डेली एक टॉपिक लाया करेंगे मैथ का, डेली हिंदी का क्लास आया करेगा, डेली मैथ का क्लास आया करेगा, एक बिल्कुल बिजोड़ टॉपिक। जैसे आज है ना, अब किसी दिन हम ले लेंगे ज्यामिति पर ले लेंगे, किसी दिन ट्रिग्नोमेट्री पर ले लेंगे, तो जिससे आप हमेशा निरंतर के रूप में पढ़ते चलिए, जिससे आपको कभी कोई दुविधा ना हो, ठीक है ना। चलिए बताइएगा भाई, माध्य हो गया। अब पहला प्रश्न लिखिएगा, सभी लोग प्रश्नों पर ध्यान देंगे और प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न वही था, 8033174414। मैं आपको क्या बताना है, माध्यिका बताना है। क्या बताना है भैया, माध्यिका बताना है, माध्यिका बताना है। तो दोनों तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे आप। पहले देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है, कितनी संख्या है, 10 है, 10 सदस्य है। जब 10 सदस्य है भाई, तो पहले माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका में सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको क्रम में सजाएंगे ना, क्रम में सजाएंगे, बढ़ते हुए क्रम में सजा लीजिए भाई। तो सबसे पहला छोटका 0, सबसे उसके बाद बड़का 1, उसके बाद बड़का कौन है भाई, 2 है, 2 नहीं है तो 3, 3 है दो बार, तो 3 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद बड़का कौन है इसमें, तो 1 2 3 मिला है, तो 3 3 3 मिला, 4 हो गया। इसके बाद भैया कौन है, इसके बाद 7 है, फिर 8 है, तो 7 लिख लीजिए और 8 लिख लीजिए। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो छूट रहा है, कौन, एक तो कौन छूट रहे हैं कहीं ना कहीं, एक, अच्छा एक दो ही बार आया था, थोड़ा ढूक रहा है यहाँ पर, देखो भाई हो गया 2 2 4 2 6 4 5 10 बार हो गए, ठीक है भाई। अब देखना मित्रों, हमने बताया था माध्यिका में पहले बढ़ते क्रम में सजाने के बाद 1 2 3 4 5 इधर से हो गए, 1 2 3 4 5 इधर से हो गए, तो माध्यिका क्या होगी, माध्यिका भाई इन्हीं दोनों के बीच में होगा, क्या होगा, 3.5 राइट आंसर होगा, या फिर इसको इसको ऐड कर लीजिए, 3 + 4/2, 7/2, 3.5। और एक तो आपका फार्मूला जिंदाबाद है भाई, फार्मूला जो लगाना चाहते हैं, यह सम संख्या वाला है, सम संख्या वाला है, तो यन बटे दोवा पद, दोवा पद, इस चीज़ को याद रखना, दोवा पद है, 10 पद है तो 10/2, 5वां पद, और यहाँ पर आ जाएगा 6वां पद, यन बटे 2 + 1वां, यानी 6वां पद/2, 5वां पद क्या है, 3 है, 1 2 3 4 5, 5वां पद 3 है, 6वां पद 4 है, 4 3 7/2 करेंगे तो 3.5 आएगा कि नहीं आएगा भाई, बताना, आया ना, तो ऐसे लगाएंगे। चलिए और वो प्रश्न करते हैं हम लोग, हाँ और प्रश्न देखिएगा मित्रों हमारे साथियों, अगला प्रश्न, 3 3 5 7 8 8 8 9 11 12 12, यदि बढ़ते क्रम में हो तो माध्यिका बताएं भैया, क्या बताएंगे, माध्यिका, तो आंकड़ों की माध्यिका बताएं, तो माध्यिका बताइए, बताइए फटाफट बताइए मेरे प्यारे मित्रों, माध्यिका बता दीजिए। देखिए 3 3 5 7 8 8 9 9 9 11 12 12, तो सब बढ़ते क्रम में पहले से बोल दिया है, तो सदस्य कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सदस्य हैं, 11 सदस्य हैं सर जी, तो 3 लिख लीजिए 3 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, कितने सदस्य हो गए, 1 2 3 4 5, एक छठा है, 8 है, फिर से छठा के बाद 7वां भी 8 ही आएगा, फिर इधर 9 11 12 12, 1 2 3 4 5 इधर हो गए, 1 2 3 4 5 इधर हो गए, बीच में कौन बचा भैया, मुन्ना भाई, हमारा मुन्ना भाई 8 बचा, तो 8 क्या होगा, माध्यिका होगा, क्या होगा भाई, माध्यिका होगा, इस चीज़ को याद रखना। अब ये सम संख्या है, सॉरी इवेन संख्या है, यानी इवेन सदस्य हैं, यानी कि भैया सॉरी ऑड, ऑड सदस्य हैं, ऑड सदस्य का मतलब कि विषम संख्या, विषम सदस्य, जो विषम सदस्य है भाई, तो विषम के लिए हमने बताया था यन बटे दो
एन प्लस वन बटे दो, एन कितनी संख्या है 11, तो 11 प्लस वनवा पद बटे दो, तो कौन 11 प्लस वन मतलब छठा, छठा पद बटे दो, छठा पद यानी कि छठा पद सीधे 11 बटे दो, 11 बटे एक मतलब 12, 12 बटे दो मतलब छठा पद, छठा पद आपका राइट आंसर होगा। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 भाई, ठीक है बताओ भाई, मस्त तरीके से समझ में आ रहा है ना। चलो अगला अगला लेना, अगला लीजिएगा 3 6 7, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा फिर उसके बाद लगाइएगा। 3 6 7 11 x 15 19 19 20 20 25 25 28 28 28 चीजें लिख देते हैं 25 के बाद 28 लिख लो यहाँ पे भाई 28, इस तरह की संख्याएं हैं आपके सामने। अब इसमें बोला जा रहा है x की वैल्यू बताइए जब माध्यिका हमारे पास दी गई हो, माध्यिका 13 दिया हो, जब माध्यिका माध्यिका 13 हो तो x की वैल्यू बताएं, तो x का मान, x का मान एक लाइन यहाँ पे और लिखा गया है, यह हमारे बढ़ते क्रम में है, किस क्रम में है, बढ़ते क्रम में भाई, देख लेना ये अगर लिखा होगा तभी आप सही कहोगे न्यूमेरिकल को, अन्यथा गलत हो जाएगा न्यूमेरिकल भाई। अब हमें थोड़े पता है x क्या है, 11 से कम है कि 11 से ज़्यादा है, जब यह लिख दिया बढ़ते क्रम में इसका मतलब जाहिर सी बात है 11 से ज़्यादा है और x से ज़्यादा ही होगा, मतलब जो x की वैल्यू होगी 11 और 15 के बीच में ही आएगा। तो पहली बात है जब ऑप्शन वाला न्यूमेरिकल होता है तो हम ऐसे ही छाट देंगे, मान लीजिए 2 3 ऐसे वैल्यू दिए हो, मान लीजिए ऑप्शन ए दिया हो 16, ऑप्शन बी दिया हो 17, ऑप्शन डी दिया हो 18, ऑप्शन सी दिया हो मान लो ABCD कुछ भी ABCD 13 दिया हो, तो हम सबसे पहले बताइए क्या लगाएंगे, जो बच्चा बिल्कुल चालाकी से काम लेगा ना वो बताएगा सर ये बढ़ते क्रम में भी लिखा है और यहाँ पर सब x 15 के बाद वाली वैल्यू है 16 भी 17 भी 18 भी, इसका मतलब 15 से छोटा 11 से बड़ा केवल एक ही है, तो राइट आंसर हमारा सी होगा। इस तरह से थोड़े काम करने होते हैं हमें। अब देखिएगा है ना, बढ़ते क्रम है इसको याद रखना। अब हमको पता है भाई 13 इसका माध्यिका है, तो 13 के बराबर, 13 के बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हैं, जब 10 पद होते हैं तो दो पद बीच के पकड़ते हैं बटे दो कर देते हैं, दो पद बीच के पकड़िए 1 2 3 4 5 ये वाला पकड़ना है और 1 2 3 4 5 ई वाला पकड़ना है, मतलब कि x प्लस 15 बटे दो कर दीजिए, राइट आंसर 13 दुना 26 26 26 माइनस 15 बराबर x, कितना आ गया 26 माइनस 6 में से 5 गया 1, 2 में से गया 1 1, मतलब x की वैल्यू भी 11 आ गई। ठीक है 11 भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, 15 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, रिपीट हो सकते हैं वैल्यू, ठीक है ना, लेकिन 11 से कम नहीं आएगा ना ही 15 से ज़्यादा आएगा, 15 आ सकता है, इक्विवेलेंट हो सकते हैं ये चीज़ें, बताओ समझ में आया भाई ना। चलिए अब एक प्रश्न लिखिएगा सभी बच्चे, सभी बच्चे लिखेंगे बहुत ही बेहतरीन, 11 12 14 15 यहाँ पे एक लाइन आगे ऊपर लिख लीजिएगा, यह बढ़ते क्रम में है 11 12 14 15 यक्स प्लस 1 कामा यक्स प्लस 3 कामा 20 कामा 23 कामा 25 कामा 27 कामा 127 लिख लीजिएगा, इसी में 27 हैं और इनकी जो माध्यिका दी गई हैं हमें, माध्यिका दिया गया है 17, तो यक्स की वैल्यू बताइए, तो यक्स का मान, माध्यिका कितना है 17 है, माध्यिका 17 है, तो यक्स का मान बताइए, यक्स का मान भाई क्या होगा, देखना भैया कितने पद हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हैं, तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5वां पद हमारा यह हुआ, इधर से अंत से 1 2 3 4 5वां पद यह आखिरी से होगा, मतलब शुरुआत से, तो यही दोनों पद हुए हमारे बीच में, जब यही दोनों पद हुए तो इन्हीं दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दीजिए बटे 2 बराबर कितना होगा 17 दिया है भाई माध्यिका, बस इम्प्लीमेंट करिए उसमें, 2x प्लस में 4 बटे के 2 बराबर 17, तो यहाँ पे 2x प्लस 4 बराबर 17 दूना 34 और 34 में से 4 माइनस करिए 2x बराबर 30, तो x बराबर कितना होगा भाई 15 इज योर राइट आंसर, अन्यथा आपके पास तो फार्मूला जिंदाबाद है, फार्मूला कौन सा भैया, वही सम वाला n बटे 2 भाई, n बटे 2 प्लस वनवा पद बटे के पूरा 2 कर दो और n बटे 2 प्लस वनवा पद, n प्लस वनवा पद, n प्लस 1 बटे 2वां पद, यह हमारा विषम के लिए है। ठीक है चलिए अब आते हैं कुछ और ट्विस्ट लाते हैं प्रश्नों में, अब देखिए बेहतरीन ट्विस्ट आ रहा है भैया, पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी 32 12 23 17 28 25
43, बाद में देखिए इस जो पद है इसकी माध्यिका पहले से निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में क्या होता है, 17 रखा जाता है, 29 की जगह 17 रख दिया जाता है गलती से, या फिर कह लीजिए इस तरह की प्रश्न, 17 की जगह 29 रखा जाता है, 29 रख दिया जाता है या फिर रखा जाता है, तो माध्यिका बताएंगे, तो माध्यिका क्या होगा भाई, ये बहुत आसान प्रश्न है, माध्यिका बताना है, देखना बस, 32 है, 12 है, 23 है, 17 है, 17 की जगह 29 बोला है तो 29 हम अभी रख देते हैं, 29 रख दो, यहाँ पे 28 हो गया, अगर दो बार 17 होता तो दो बार 29 रखते, ये चीज़ याद रखना भाई, 25 हो गया, 43 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद हैं, सबको बढ़ते क्रम में सजा लो, तो पहले 12 है, फिर उसके बाद भैया हमको कहाँ नज़र आ रहा है, 23 है, 23 के बाद का है बचवा 28 है, 28 के बाद 29 है बच्चा, फिर उसके बाद भैया का है, अच्छा एक तो मिस्टेक हो गया हमसे, ये बिचवा हम 25 घुसुरा है, तो 25 लिख लेते हैं ना, 25 हो गया, 25 के बाद बचवा फिर क्या आ जाएगा हमारा, 23, 25, 25 के बाद 29, 29 के बाद देख लो कहीं इधर उधर कोनो ढुके ढाके तो नहीं है भाई, 29, 29 के बाद 28, 28 के बाद बचवा 32, 32 के बाद 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद हो गए भैया, अब बताना है हमको क्या, माध्यिका, तो भैया 7 पद हैं तो 3 से इधर उड़ाओ, 3 तो इधर उड़ाओ, 29 से हमारा माध्यिका भी होगा भाई, ये चीज़ें हो गई, हमारा राइट आंसर, बताना बच्चा, समझाया ना भाई, हमारे भाइयों हमारे शेरों, चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न लाते हैं, अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, एक बट्टे के दो, तीन बट्टे के चार की माध्यिका बताइए, का माध्यिका बताइए, सबसे पहली बात है कि इसको हम आरोही क्रम में सजाते हैं ना, मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही अरोही में हम कन्फ्यूज जाते हैं भाई, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में नहीं कन्फ्यूज होते हैं, बढ़ते क्रम में सजाना है, अब आरोही वाला मतलब हो चाहे बढ़ता क्रम चाहे अरोही, आई थिंक आरोही का मतलब ही बढ़ता क्रम होता है, अब देखना सबसे पहले बढ़ते क्रम, सबसे छोटा क्या है भाई, सबसे छोटा इसमें 1/4 है, कौन एक मत लिखना भाई, नहीं तो पीट दिए जाओगे, 1/4, फिर अगेन 1/4, फिर 1/2, फिर 3/4, फिर क्या है भैया, एक है, फिर अगेन एक आ जाएगा ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक तो कौन छूट रहे हैं, क्या छूट रहा है भैया, 1/2, एक तो और छूट रहा है, तो इधर इसको हटाओ और यहाँ पे 1/2 लिखो, आगे 1/4, आगे 1/4, तो बताना कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 है तो 4 टू इधर से माइनस करो, 4 टू इधर से काट फेंक दो, बीच वाला 1/2 हमारा माध्यिका होगा, ठीक है भाई, इस तरह से माध्यिका निकालते हैं मित्रों, माध्यिका समझ में आ गया होगा, अब थोड़ा सा रेंज देख लेते हैं ना, अरे माध्य का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं, माध्य बहुलक बहुत आसान है, जोड़ दो डिवाइड भाई जितनी संख्या है कर दो, है ना, अब देखना भाई, 10, 21, 15, 1, 3, 5, यह प्रश्न पूछा गया यूपीटेट में भी, तो रेंज बताइए इसका, रेंज यूपीटेट में भी पूछा गया है, ग्रुप डी में भी आया है, सीटेट में भी आया है, और यूपीटेट में भी आया है, ऐसे प्रश्न बहुत जगह आते हैं, तो बताना सबसे छोटा क्या है, बताएंगे भाई सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा 21 है, तो 21 - 1 = 20 हमारा रेंज होगा, ठीक है भाई, इस तरह के प्रश्न हो गए, अब एक प्रश्न और धांसू कर लेते हैं, 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है, इनमें एक प्रेक्षण और जोड़ा गया, और एक प्रेक्षण बोले चाहे 10 प्रेक्षण बोले, एक प्रेक्षण और जोड़ा गया और नया माध्य क्या मिला हमें, नया माध्य मिला भैया 12, तो नए प्रेक्षण का मान बताओ, तो नए प्रेक्षण जो जोड़ा गया है ना उसका मान बताओ, तो नए प्रेक्षण का मान बताइए, का मान क्या है बचवा, बताना देखना, जब प्रेक्षण नहीं जोड़ा गया था तो 14 ही प्रेक्षण थे, तो 14 प्रेक्षण थे तो 11 माध्य था, तो मतलब पूरा का पूरा संख्या का जोड़ कितना आ जाता भैया, अगर बोलेंगे 1+2 का माध्य है कितना 1.5, तो बताओ पूरी संख्या का जोड़ कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे सर माध्य जो है ना उसमें ही पूरी संख्या का जो सदस्य संख्या है ना उसका गुणा कर लो, 1.5 * 2 करेंगे तो 3 आएगा, 1+2 = 3,
इस तरह हमको पता चला सारा का सारा संख्या 1/3 है, मतलब 3 है। तो वैसे ही आप इसमें भी करेंगे, 14 प्रेक्षण है, 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है, तो 11 मतलब टोटल संख्या का योग इतना रहा होगा। अब बोला जा रहा है एक और प्रेक्षण जुड़ गया, पहले 14 प्रेक्षण थे, अब 15 प्रेक्षण हो गए। कितने प्रेक्षण हो गए? 15 प्रेक्षण हो गए। 15 प्रेक्षणों का जो माध्य है ना वो 12 है, 15 प्रेक्षणों का माध्य 12 है, 15 प्रेक्षणों का माध्य 12 है। भाई जो नया प्रेक्षण जुड़ा है, पहले 14 था पुराना, अब 15, अगर पूरे में से नए वाले प्रेक्षण में से नए वाले योग में से पुराना वाला माइनस कर देंगे तो नया वाला मिल जाएगा, बताना। तो माइनस कर दो 14 × 11। अब इस तरह पूछ लेता है जो नए प्रेक्षण मिलेंगे, या फिर दो प्रेक्षण इसमें जोड़ा गया तो 16 बन गया, 16 × 12, तो दोनों प्रेक्षणों का माध्य बताइए, तो 2 कर देंगे, बस इस तरह से करते हैं ना। तो 15 × 12 जब कर लेंगे, 15 × 12 का मतलब 15 × 10 = 150, 15 × 10 = 30, 180 हो गया, माइनस 11 × 14 = 10 में करेंगे तो कितना होगा, 140 और 10 155 आ गया, 140 और 10 151 आ रहा है ना, 154 आएगा भाई ना, देखना 154 माइनस कर लीजिए, 14 कितना होगा 80, 14 × 6 = 60 और 20 यानी 26 इसका राइट आंसर होगा भाई, कितना होगा 26 हो जाएगा, देख लेना, 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 5 गया 2, 26। इस तरह के प्रश्नों को ऐसे करते हैं, एक प्रश्न एक फार्मूला लिखिएगा, बहुलक बराबर तीन माध्यिका माइनस दो माध्य। बहुत ही बढ़िया प्रश्न इससे बनता है बच्चा, इसको नोट करेंगे सभी लोग, ठीक है ना, सभी लोग भाई नोट करेंगे। और यहाँ से डायरेक्ट बोल देगा माध्यिका दिया है बहुलक दिया है, बताओ माध्य। अब बुद्धि हरियर, भैया माध्यिका बहुलक दिया है, बच्चे गए हरियर हो गया बुद्धि, अब पता ही नहीं इनको फॉर्मूला तो क्या नोट करेंगे, माध्य माध्यिका दे देगा, पूछेगा बहुलक, अरे ससुराल में तो हम बहुलक सर पढ़ाए थे कि संख्या दिया रहेगा जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अजीबे गरीब हो रहा है, माध्यिका माध्य दिया है पूछ रहा है बहुलक, उल्लू बना रहा है ससुराल, नहीं उल्लू नहीं बना रहा है, इसको फॉर्मूला यूज किया है वहाँ पर, तो इसको नोट कर लो, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक है भाई। चलिए अब यह आपका पूरा का पूरा एक तरह से पैकेज था माध्य माध्यिका रेंज का, अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको ना। चलिए अब मिलिए, अब रात में मिलते हैं, रात में हिंदी सेशन के साथ मिलते हैं, आप लोग शेयर किया करिए प्लीज़, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट होता है, क्योंकि बहुत बड़ा दुख होता है मुझे भाई जब हम सेशन लाते हैं और बच्चों की संख्या नहीं आती, पता है आपको बहुत दुख होता है, आप नहीं समझोगे, लेकिन आपका सेशन आता रहेगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, आप इसे दबा के शेयर करो, धन्यवाद।